चलिए जी, तो टुडे इज 14 वी आर कॉन्टिन्यूइंग विद किंगडम फंजाई, राइट। हमने पिछली बार डिस्कस किया था वेरियस करेक्टर्स ऑफ फंजाई, जनरल फीचर्स ऑफ फंजाई। टुडे वी विल डू क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। एक हम करेंगे, आज हम पहले करेंगे हेट्रोथेलिज्म, फिर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। आज हमने ये दो कर लिए हैं मेनली, ठीक है जी। तो फर्स्ट वी कम टू हेट्रोथेलिज्म। क्या मतलब है इसका? लेट अस से ये एक फंगल स्पोर है, दिस इज वन स्पोर ऑफ कोई सी भी फंजाई है। ये जर्मिनेट किया और इसने इस तरह का ब्रांच्ड सा माइसीलियम मतलब हाइफा बना लिया। उसके बाद इसकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हुई, इसने बहुत सारे इंटरमिंगल हाइफे हैं ये, दिस इज कॉल्ड एज माइसीलियम। फिर हमने क्या देखा, एट द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन, फेवरेबल सीजन जो है वो खत्म हो रहा है, उस एंड में हमने क्या देखा, दे फॉर्म या दे अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फॉर्म सेक्सुअल स्पोर्स, और जो फेवरेबल कंडीशन में जाके दोबारा से जर्मिनेट करेंगे। क्योंकि बेटा ये जो है एक सिंगल स्पोर है जिसने ये माइसीलियम बनाया, तो इस माइसीलियम में हम कहेंगे कि ऑल हाइफे आर जेनेटिकली सिमिलर। इसमें कहीं और से कुछ आया ही नहीं है, एक ही स्पोर था, उसी की वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रही है। जैसे एक रोज का प्लांट है ना, हम उसके ऊपर ब्यूटीफुल फ्लावर्स आर ग्रोइंग, हम चाहते हैं कि वही व्हाइट फ्लावर्स या जो भी रेड रोजेस है वही हमें मिले, तो हम क्या करते हैं उसकी छोटी छोटी कलमें बनाते हैं और वो लगाते हैं, तो उसमें वैसे ही फ्लावर्स आते हैं, वैसा ही प्लांट आता है। All are genetically similar, ठीक है। But अब हमने क्या देखा कि एक और फंजाई है, some another फंजाई, spore of fungi 2. इस तरह से ही बना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मैं वैसे ही दिखाती हूँ, इट फॉर्म्स माइसीलियम। बट हम क्या देखते हैं कि शोज
वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों भाई, क्यों नहीं हो रही, क्या प्रॉब्लम है? फिर हमने क्या किया कि मेनी स्पोर्स ऑफ फंजाई टू, ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स स्ट्रेन्स होते वेराइटीज आप कह सकते हो, डिफरेंट स्ट्रेन्स के हमने स्पोर्स ले लिए। सेम फंजाई है बट उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, है ना? या सेम फंजाई के दो माइसीलियम से अलग अलग माइसीलियम थे उनके स्पोर्स ले लिए। दे ग्रो टू फॉर्म माइसीलियम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एट द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और फिर उन्होंने सेक्सुअल स्पोर्स भी बनाए। ऐसा क्यों, सेम ही फंगस थी, उसका एक स्पोर लिया तो नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट बहुत सारे स्पोर्स ले लिए, माइसीलियम उतना ही बना बट उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गई, ऐसा क्यों है? अब आप यहाँ पे एक चीज और देखो कि हमने, एक मैं आपको एक कॉमन सा, कि हमने पपीते के पेड़ लगाए, ठीक है, उसमें फूल तो है, फ्लावर्स आर बॉर्न बट no papita, no fruit is born. Why? Can anybody tell me? हमने पपाया के प्लांट्स लगाए, उन सभी प्लांट्स में पांच छह हमने प्लांट्स देखे, ठीक है, सब में एक जैसे फ्लावर्स आ रहे हैं। या लेटस से हमने एक ही प्लांट लगाया, हम पांच छह की बात ही नहीं करते, हमने एक प्लांट लगाया बट उसमें फ्लावर्स है बट कोई पपाया नहीं लगा, क्यों नहीं लगा? मैम, बिकॉज सारे फ्लावर्स एक ही जेंडर के थे। यस, बिकॉज पपाया इज ए यूनिसेक्सुअल प्लांट, ठीक है, आइदर इट इज मेल प्लांट या फीमेल प्लांट, कोई सा भी प्लांट है बट दूसरे गैमीट्स ही नहीं आए। अगर मेल प्लांट है तो वो उसके स्पोर्स उठ के फीमेल प्लांट पे गए नहीं, और अगर लेट अस से वो फीमेल प्लांट ही फ्लावर्स को लगे बट उससे कहीं से पोलन मेल गैमीट्स आए ही नहीं तो कैसे उसमें फ्रूटिंग होगी। इसी तरह से बट कुछ प्लांट्स है, जैसे मैंगो है, एक ही प्लांट है, उसके आसपास कोई मैंगो ट्री नहीं है, इट फॉर्म लॉट ऑफ मैंगोस, क्यों? क्योंकि वो बायसेक्सुअल है, सेम फ्लावर में मेल एंड फीमेल पार्ट्स दोनों है। इसी तरह से कुछ फंजाई जो है, जैसे ये वाली फंजाई है, ये एक स्पोर लिया, इसने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, this is called as homothelic. Homothelic से क्या, it is equivalent to, it is similar to the bisexual plant, जिसमें male और female gametes दोनों एक ही type की fungi में grow कर जाते हैं। दूसरा आ जाता है heterothelic fungi, जहां पे दो different type की strains चाहिए, plus and minus strain, which are physiologically and genetically different to form the, या to undergo sexual reproduction, ठीक है? तो पहले ये लिखो, फिर मैं लिखवाती हूँ, write down this, तो हम कह सकते हैं, ये तो आपको समझ में आया कि क्या है, next आ जाइए, therefore, there are two type of fungi. Therefore, there are two types of fungi.
होमोथैलिक एंड हेट्रोथैलिक फंजाई. होमोथैलिक फंजाई मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बिटवीन हाइफे ऑफ सेम स्ट्रेन. इट इज सिमिलर टू इनब्रीडिंग. अगर हम एनिमल्स में बात कर लें, ह्यूमंस में बात कर लें, तो अपने सिबलिंग्स के साथ सिबलिंग्स में शादियां होना, दिस इज इनब्रीडिंग. फर्स्ट कजन्स में शादियां होना, जो जनरली हम नहीं करते. सो इट इज सिमिलर टू इनब्रीडिंग एंड दस डू नॉट कॉज वेरिएशन. ठीक है, उसके बाद आ जाता है हेट्रोथैलिज्म. नेक्स्ट आ जाता है बेटा हेट्रोथैलिक स्पीशीज. When two genetically and physiologically different strains are required for formation of zygospore. या हम कह सकते हैं zygote एक ही बात है. That is called as heterothelism. Two strains, जैसे हम हायर ऑर्गेनिजम्स में कहते हैं मेल एंड फीमेल, इनमें हम मेल फीमेल नहीं कहते. टू स्ट्रेन आर डेजिग्नेटेड एज प्लस एंड माइनस स्ट्रेन. दे आर कॉल्ड एज प्लस एंड माइनस स्ट्रेन. क्या इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इट प्रिवेंट्स इनब्रीडिंग. एंड प्रमोट्स आउटब्रीडिंग. दस producing variations. Sometimes I think कि जब ह्यूमन सोसाइटी बन रही थी, अब तो हमें चलो ये पता चल गया, या हमने जिन लोगों को नहीं भी पता उन्हें भी ना एक सोसाइटी बना दी कि बहन भाइयों का रिलेशन ये होता है, मोनोगैमी में जाना है. ठीक है, मोनोगैमी मीन्स एक शादी करनी है, ये आपस में भाई बहन है, इनका नहीं. लेट अस से पॉलीगैमी भी है, जिनकी एक से ज्यादा वाइफ्स भी है. अगर हम मुस्लिम्स को ना देखें, मुस्लिम्स को अगर छोड़ देना, तो मुस्लिम्स में भी बिल्कुल ही सिबलिंग्स में तो नहीं होता, फर्स्ट कजन्स में करते हैं. बट हमारे अगर इंडिया में देखें, मुझे फॉरेन कंट्रीज का बहुत ज्यादा नहीं पता, बट इंडिया में देखें अगर, तो हम क्या क्या देखते हैं कि सिबलिंग्स का तो मतलब नहीं, फर्स्ट कजन्स का भी कोई मतलब नहीं है. हम ये देखते हैं कि कहीं दो तीन जनरेशन में सेम कास्ट सेम गोत्र तो नहीं है. पहले लोग क्या करते थे,
सेम गांव के लोगों में भी मैरिज नहीं करते थे। वो कहते भी मैरिज करने दो तीन गांव छोड़ के करो, चाहे वो उन लोगों को, मतलब अगर हम कहें एक जनरल पब्लिक को ये साइंटिफिक रीजन नहीं पता, बट इतना हमारे माइंड्स में ये चीजें बिठा दी गई है कि हम सोच ही नहीं सकते हैं ये इन चीजों को। हम कहते हैं भी अगर हमने करना है तो थोड़े से दूर की, सेम कास्ट नहीं होनी चाहिए, ये नहीं नानके की कास्ट नहीं, सेम दादके की कास्ट नहीं, सेम ये सब चीजें देखने को मिलती। ठीक है, तो आई समटाइम फील कि भाई कैसे किस टाइम में उस टाइम लोग कितने इंटेलिजेंट होंगे। जेनेटिक्स तो बहुत बाद में आई है, मेंडल ने तो बहुत बाद में काम किया, 1752 में, 1756 में जाके इसका काम हुआ है, और ये सोसाइटी तो बहुत पहले की बनी हुई है एटलीस्ट इंडिया में, है ना। तो वो कितने लोग इंटेलिजेंट थे, उन्होंने क्या देखा होगा क्या नहीं देखा होगा कि ये रूल्स बना दिए, और वो रूल्स एक रिलीजियस बना दिए कि यही ठीक है, नहीं तो पता नहीं क्या सोचा होगा, नहीं तो भगवान नाराज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एक अनसीन को फियरफुल बना दिया, जिसकी वजह से बट ऑल दीज हैव साइंटिफिक मीनिंग। लाइक आजकल हम, है ना, अगर आप देखें फॉरेन कंट्रीज में फास्टिंग रखनी चाहिए, 12 आवर्स फास्ट, 16 आवर्स फास्ट, ऐसे फास्टिंग का बहुत हो गया है। और अगर हम देखें इंडियन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग, उन्होंने फास्टिंग को क्या कर दिया, जो हम व्रत रखते हैं उन्होंने रिलीजन के साथ जोड़ दिया, नेचर के साथ, गॉड के साथ, भगवान के साथ जोड़ दिया फास्टिंग को, कि ये रखने ही रखने हैं, इससे भगवान खुश होगा, इससे नहीं, बिल्कुल बीच में खाना नहीं है, भगवान नाराज हो जाएगा, हम उससे डर के नहीं खाते। बट दैट हैज बेनिफिट्स टू अवर बॉडी, अ ग्रेट बेनिफिट। हमारे शरीर के जितने, हमारी बॉडी के जो टॉक्सिन्स है वो रिमूव हो जाते हैं, डिटॉक्सिफाई हो जाती है हमारी बॉडी अगर हम इस तरह की फास्टिंग रखते। ठीक है, फिर लोगों ने उस टाइम की, किसी ने सोचा होगा जो भी थे कि ऐसे तो लोग रखेंगे नहीं, इनको किसी ना किसी के, मेरा मतलब कोई सेरेमनी से कर दो, चाहे करवा चौथ का व्रत आ गया, ठीक है, एक सुबह रखो, सुबह 5 बजे खाओ और फिर रात को 9 बजे खाना है, यू नो 16 आवर्स फास्टिंग होगी, बीच में कुछ नहीं, ना लिक्विड ना कुछ, कुछ नहीं लेना, 16 आवर्स की फास्टिंग होगी, भी इस तरह से फीमेल्स की बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी। ठीक है, ऑल्दो बहुत सारे आदमियों ने, मेल्स ने व्रत रखने छोड़ दिया, आई डोंट नो कि उनके लिए भी कोई थे या नहीं थे, बिकॉज दे ऑल्सो नीड डिटॉक्सिफिकेशन, बट यू नो देखो उन्होंने किस तरह से सोसाइटी हमारी कैसी बनी है, कैसे रिलीजन से कनेक्ट करके, क्योंकि हम उस ईश्वर से, उस गॉड से हम ज्यादा डरते हैं, उससे रिलेट करके कुछ चीजें जो है उन्होंने फॉर्मुलेट की, ताकि हमारी बॉडी को जो है वो फायदा। इसी तरह से जैसे हमने बताया कि इवन इन प्लांट्स, इनको क्या भाई बहनों का, इनको क्या पता है क्या नहीं पता, बट हेट्रोथेलिक फंजाई ज्यादा है ताकि वेरिएशन है। इसी तरह से ह्यूमंस में ये चीज को उन्होंने क्या देखा क्या नहीं, भी हम डिफरेंट लोगों से शादी करें ताकि आगे बच्चे बेटर हो, वेरिएशन आए, बीमारियां, जेनेटिकली प्रॉब्लम्स ट्रांसफर ना हो। ठीक है, तो दिस इज, उसके लिए क्या चाहिए, आउटब्रीडिंग चाहिए। सो हेट्रोथेलिज्म जो है इट प्रिवेंट्स इनब्रीडिंग बट प्रमोट्स आउटब्रीडिंग, दैट क्रिएट्स वेरिएशन, राइट। सो दिस इज हेट्रोथेलिज्म एंड इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय ब्लैक्सली। इन स्पीशीज ऑफ राइजोपस, ब्रेड मोल्ड जिसको आप कहते हो, या इसको कुछ एक वेराइटी, इसको इसकी म्यूकर भी कहते, म्यूकर और राइजोपस, ठीक है जी। तो उन्होंने क्या देखा कि एक एक स्पीशीज है राइजोपस सेक्सुअलिस, राइजोपस सेक्सुअलिस, गुंजन आप ये नोट कर लो बेटा, समझ आपको बाद में आ जाएगी। ओके, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा।
राइजोफस सेक्सुअलिस जो है ये है होमोथैलिक। और राइजोफस, राइजोफस मैंने ऊपर लिखा है, आप चाहे पूरा लिख सकते हो। स्टोलोनिफर, ये है हेट्रोथैलिक। ये गुंजन एक पेज छोड़ देना, उसके आगे से लिखना शुरू कर दे, ठीक है। होमोथैलिक हेट्रोथैलिक स्पीशीज ऑब्जर्व बाय ब्लैक्सली 1904 में किया था। किस पे काम किया था? राइजोफस पे। और उसने क्या देखा? राइजोफस सेक्सुअलिस इज होमोथैलिक, राइजोफस स्टोलोनिफर इज हेट्रोथैलिक स्पीशीज। इज इट ओके, क्लियर टू एवरीबॉडी? चलिए, कर दू बेटा, ये भी रख कर दू? यस मैम, प्लीज वेट। आर सेक्सुअलिस, आर स्टोलोनिफर, होमोथैलिक हेट्रोथैलिक, यस मैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। Fungi is classified based on कौन से factors हैं? First है presence or हम absence कह सकते हैं, absence of sexual reproduction। सेकेंड आ जाता है बेटा टाइप ऑफ माइसीलियम। कैसा माइसीलियम है? यूनिन्यूक्लिएटेड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, कैसा है? नेक्स्ट हम आ जाते हैं थर्ड, हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल स्पोर्ट्स। ये तीन बेसिस है ऑन विच वी कैन क्लासिफाई फंजाई इन वेरियस। पहला आ जाता है बेटा इट इज, या अभी पहले ये मत लिखो, आई एम सॉरी, पहले हम करेक्टर लिखते हैं। एक आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट नोन, हमें पता नहीं भाई होती है कि नहीं होती, ठीक है, हमें नहीं पता। So this is called as, this is class deuteromycetes, जिन फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अभी तक नहीं पता है उनको रखा है क्लास deuteromycetes में, जिसको हम कह देते हैं फंजाई imperfecti। This is called as fungi imperfecti। Second group आ जाता है sexual reproduction known।
अब इनकी क्लास सुने, बट इनको हम क्या कह देंगे, सभी को कहेंगे हम परफेक्ट बन जाए, बट ये आगे टाइप ऑफ माइसीलियम। आगे दो टाइप की, एक आ जाता है बेटा सिनोसिटिक। सिनोसिटिक का मतलब है मल्टी न्यूक्लिएटेड माइसीलियम ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेक्टा। सेक्टा है दो सेल्स के बीच में जो वॉल होती है। तो अगर हम इसको देखें, अगर हम ये देखें कि ये माइसीलियम है, तो यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं, कोई बीच में सेप्टा नहीं है, ठीक है। दिस इज सिनोसिटिक माइसीलियम। और ये आ जाता है, इट इज इंक्लूडेड अंडर फाइकोमाइसिटिस। दिस इज फाइकोमाइसिटिस, ठीक है जी। और फिर दूसरी जगह आ जाता है सेप्टा प्रेजेंट। लेट अस से मैंने एक माइसीलियम दिखाया, ये सेप्टा, ये जो बीच में एंड वॉल है दैट इज सेप्टा। सेप्टा प्रेजेंट, इसको हम कह देते हैं यूमाइकोटा, फाइकोमाइकोटा ऑल्सो कॉल्ड एज एल्गल फंजाई। लाइक एल्गी इट इज मेनली, सभी नहीं बट मेनली एक्वेटिक। यूमाइकोटा That is true fungi. U का मतलब टू, true. Phycomycetes is further divided into two groups. Class हम कह देते हैं, class Oomycetes and class Zygomycetes. और यूमाइकोटा में क्लास एस्कोमाइसिटीज एंड क्लास, आप पूरा लिखोगे बिसीडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड बिसीडियोमाइसिटीज। तो हमारे पास कौन कौन सी क्लासेस है, ड्यूटीरोमाइसिटीज, ओवोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, एस्पोमाइसिटीज एंड बिसीडियोमाइसिटीज। राइट, लिख लो फटाफट से। तो फर्स्ट हम आ जाते हैं बेटा फाइकोमाइसिटीज, पहले हम इसके पीछे से ड्यूटीरोमाइसिटी सबसे लास्ट में करेंगे, फर्स्ट इज फाइकोमाइसिटी। तो अगर हम देखें हैबिटेट, आइदर दीज आर एक्वेटिक एंड फ्री लिविंग, पानी में रहते हैं
या फिर प्री लिविंग है, और या फिर कुछ मेंबर्स ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। सम आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ओके, सेकेंड आ जाता है बेटा हाइफा कैसा है या माइसीलियम कैसे है। इट इज एसेप्टेट एंड सिनोसेप्टेट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। गुंजन तुम्हारा यहाँ पे जो पिछली बार आपने पूछा था वो यहाँ पर भी है, आइदर बाय जूओस्पोर्स दैट आर मोटाइल थिन वॉल्ड, या फिर ए प्लैनोस्पोर्स एल्गी में बनते हैं और कुछ फंजाई में भी बनते हैं एप्लैनोस्पोर्स। ठीक है गुंजन, नॉन मोटाइल एंड स्लाइटली थिक वॉल, थोड़े से ज्यादा नहीं। और तीसरा आ जाता है फोरेंजियोस्पोर्स। दीज आर नॉन मोटाइल एंड थिन वॉल। एंड रिमेंबर दैट दीज स्पोर्स are produced in sporangia, in sac. Sac होता है इस तरह से structure, sac like sporangia, क्योंकि ये बाहर नहीं बनते जैसे conidiospores थे, वो बाहर बनते थे, exogenous थे वो, but क्योंकि ये sporangia के अंदर बन रहे हैं इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, एंडोजीनस एसेक्सुअल स्पोर्स। दीज आर कॉल्ड एज एंडोजीनस एसेक्सुअल स्पोर्स। तो फाइकोमाइसिटीज में स्पोर्स कैसे बनते हैं, एंडोजीनस बनते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन कौन से मेथड से हो सकती है, बाय प्लैनोगैमेटिक कॉपुलेशन, इन एक्वेटिक फंजाई, या फिर बाय गैमिटेंजियल कॉपुलेशन वेयर द टू गैमिटेंजिया दे फ्यूज, और बाय गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट।
by gametangential contact, in which the male gametes are transferred through conjugation tube. Gametes are either isogamous both gametes, male and female gametes, are similar, हमें नहीं पता कौन सा मेल कौन सा फीमेल, और एन आइसोगैमस फीमेल गैमीट स्लाइटली लार्जर देन मेल गैमीट, और ओगैमस This is food laden female gamete. This is male gamete. So, sexual reproduction can be isogamous, anisogamous, or oogamous. Right, these are the characteristic feature of phycomycetes, and phycomycetes is further divided into oomycetes and zygomycetes. ठीक है जी, तो अब हम आ जाते हैं बेटा दो ग्रुप्स है इसके, दो कॉलम्स बना लो, जाइगोमाइसिटीज और दूसरा कर लो ओओमाइसिटीज, फटाफट से इनके फीचर्स लिख लो, जाइगोमाइसिटीज एंड ओओमाइसिटीज. Zygomycetes terrestrial. Zygomycetes terrestrial. Oomycetes aquatic or parasitic. या aquatic है या parasitic. उसके बाद second point लिखिए. Zygomycetes में सेल वॉल ओनली काइटिनस, सेल वॉल फॉर्म्ड ऑफ काइटिन ओनली. ओओमाइसिटीज में लिखिए सेल वॉल हैज काइटिन अलोंग विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ सेल्यूलोस. ओओमाइसिटीज में सेल वॉल फॉर्म्ड ऑफ काइटिन एंड small amount of cellulose also. Third point लिखिए, दोनों में लिखो mycelium cynocytic, in both mycelium cynocytic. Oomycetes में नेक्स्ट पॉइंट जाइगोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोरेंजियोस्पोर्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोरेंजियोस्पोर्स.
वो माई सिटीज में ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय जूओस्पोर्स एंड एप्लेनोस्पोर्स, जूओस्पोर्स एंड एप्लेनोस्पोर्स. नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जाइगोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट, गैमिटेंजियल कॉपुलेशन, आई एम सॉरी. जाइगोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमिटेंजियल कॉपुलेशन एंड ओवोमाइसिटीज में बाय गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट, by gametangential contact. Zygomycetes mein gametes are isogamous or anisogamous. Gametes are isogamous or anisogamous. Oomycetes mein gametes are oogamous. गैमेट्स आर ओवोगैमस, मतलब फीमेल गैमेट बहुत बड़ा है और उसमें स्टोर्ड फूड है. जाइगोमाइसिटीज में जाइगोट इज कॉल्ड एज जाइगोस्पोर, जाइगोट इज कॉल्ड एज जाइगोस्पोर. ओवोमाइसिटीज में क्योंकि ओवोगैमस है तो जाइगोट इज कॉल्ड एज ओवोस्पोर, डबल ओ एस पी ओ आर. The zygote is called as oospore. Zygomycetes में बहुत important example है, that is rhizopus, जिसको हम कहते हैं black mold या फिर pin mold या फिर ब्रेड मोल्ड. ओवोमाइसिटीज, ओवोमाइसिटीज की एग्जांपल आ जाती है बेटा फाइटोफोरा. इंटेस्टिन्स, it is phytophthora infestans and it causes parasitic fungi and late blight of potato. It causes the disease late blight of potato. Between 1945 se 47 ke time mein Ireland mein due to this fungal infection, whole of the potato crop gets destroyed. जिसकी वजह से, और वहां पे आयरलैंड में पोटैटो उनका स्टेपल फूड है, हर चीज में वो पोटैटो डालते हैं, उसके बगैर काम नहीं चलता, जिसके कारण वहां पे भुखमरी फैल गई थी, फैमिन हो गया था. लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज्ड आयरिश फैमिन. In 1945 to 47, 2 साल तक वहां पे फैमिन रहा था, अकाल पड़ गया था. Another example is ओवोमाइसिटीज में एंब्यूगो कैंडिडा. इसका एक और नाम है बेटा सिस्टोपस कैंडिडा. एल्ब्यूगो कैंडिडा और सिस्टोपस कैंडिडा, इट कॉजेस व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स. क्रूसीफर्स जैसे सरसों,
उसको भी क्रूसीफर्स कह देते हैं. व्हाइट रस्ट ऑफ इट कॉजेज द डिजीज. व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स. क्रूसीफर्स ब्रैकेट में लिख लो सच एज मस्टर्ड. और भी बहुत सारे प्लांट्स आते हैं क्रूसीफर्स, बट एक इंपॉर्टेंट है मस्टर्ड, सरसों. हर्ड ओवर माय सिटीज की ही एग्जांपल हम बताते हैं. इट इज डैम्पिंग ऑफ. सीडलिंग गल जाते हैं. डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग्स गल जाते हैं. सीडलिंग्स प्लांट्स के. डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग्स ऑफ प्लांट्स बाय पिथियम बिबेरियनम. पिथियम डिबेरियनम ये फंगस है. दिस इज ए फंगस. और सीडलिंग्स किसके है? डिफरेंट प्लांट्स के. ठीक है जी. सो दीज आर ये इंपॉर्टेंट तीन एग्जाम्पल्स है. और एक आप और कह सकते हो. फंजाई नहीं मैं बताऊंगी. सम ऑफ द फंजाई causes downy mildews. पता होना चाहिए कि downy mildew एक fungal disease है. Some of the fungi of oomycetes causes the disease downy mildew. इसमें ना बेटा प्लांट्स के ऊपर लीव्स के ऊपर स्टेम के ऊपर वूली सी आउटग्रोथ लग जाती है. फिर अंदर से क्या होता है, क्योंकि वूली आउटग्रोथ हो गई, उसने बहुत ज्यादा जो है ना वो पानी 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 सोक करते रहना. तो धीरे 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 प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, लीव पे वूली आउटग्रोथ हो जाएगी, तो धीरे धीरे प्लांट मर जाता है. ठीक है. सो दिस इज द टू क्लासेस ऑफ जाइगोमाइसिटीज of phycomycetes, that is zygomycetes and oomycetes. ठीक है जी. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा क्लास एस्कोमाइसिटीज. पहले मैं तुम्हें एस्कोमाइसिटीज में जो हाइफा है वो कैसा है. सेप्टा प्रेजेंट. यूनि न्यूक्लिएटेड हाइफा है. सेप्टा प्रेजेंट. बट सेप्टा हैज सेप्टल पोर्स. सेप्टा हैज सेप्टल. ठीक है जी. नेक्स्ट आ जाता है सेल वॉल काइटिनस. इसमें सेल्यूलोस नहीं होता. जैसे हमने बताया था कि ओमाइसिटीज के कुछ मेंबर्स में सेल्यूलोस प्रेजेंट है, बट इसमें सेल्यूलोस नहीं होता. They are terrestrial
एंड दे कैन बी डीकम्पोजर्स, और हम क्या कह सकते हैं, सेप्रोबिक, फीड ऑन डेड डिकेइंग मेथड, या पैरासिटिक है विच लिव ऑन द लिविंग होस्ट. उसके बाद दे कैन बी कोप्रोफिलस, कोप्रोफिलस का क्या मतलब है, विच ग्रो ऑन डंग, गोबर पे, फीसेस पे रहते हैं, दे आर कोप्रोफिलस. They can be decomposers or saprobic. They can be parasitic. Or they can be coprophilous. Next है, they can be unicellular or multicellular. They can be unicellular, such as yeast. जिसको साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, सैक्रोमाइसिस, और दे कैन बी मल्टीसेलुलर, हाइफा ब्रांच है, मल्टीसेलुलर है, सच एज पेनिसिलियम, जिसे फर्स्ट एंटीबायोटिक मिली थी पेनिसिलिन. So Penicillium belong to Ascomycetes. Next है asexual reproduction. अच्छा एक और पहले पॉइंट लिखो, no motile structures. No motile structures at any stage of life cycle. कोई फ्लैजेला नहीं है, ब्रैकेट में लिख लेना फ्लैजेला एब्सेंट, फ्लैजेला एब्सेंट. उसके बाद हर फंजाई में बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन तो है ही, ये तो हर फंजाई में है. Asexual reproduction by, मैं BF लिख रही हूं, binary fission and by budding, किसमें हो रही है, in yeast, सिर्फ yeast, binary fission, BF मत लिखना मेरी तरह से, binary fission पूरा लिखना, and by budding in yeast. Asexual reproduction by conidiospores in other fungi of Ascomycetes. Asexual reproduction by conidiospores in members of Ascomycetes. और specialized hypha है जिसपे conidiospores बनते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, conidiophores बोल देते हैं. ठीक है, देखो जरा, conidiospores are formed on, बस अतिबा हम जल्दी से खत्म करेंगे बेटा, conidiospores are formed on specialized hypha called as conidiophores. Conidiophores. Next है, conidia are, मैंने आपको बताया था conidia कैसे बनता है,
इस टिप के कटने से, फिर टिप आई, फिर कट गया, फिर कट गया, कोई किसी सैक में नहीं बन रहा है, ये बाहर की तरफ ही बन रहा है कोनिडियोस्पोर्स, तो एक्सोजिनस स्पोर्स है। कोनिडिया आर थिन वॉल्ड, थिन वॉल्ड एक्सोजिनस स्पोर्स formed in the chains, formed in the chains at the tip of the hyphae. इसी में ही नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, कोनिडिया या कोनिडियोस्पोर्स एक ही बात है, कोनिडिया या कोनिडियोस्पोर्स आर डिफरेंटली कलर्ड, कोई पिंक कलर है, कोई ग्रीन कलर है, कोई ब्लैक कलर है, इस तरह से दे आर डिफरेंटली कलर्ड एंड दस गिव स्पेसिफिक कलरेशन टू द फंजाई, दस गिव स्पेसिफिक कलरेशन टू द fungi. For example, एक हम कहते हैं aspergillus, इसको हम बोलते हैं green smoky mold, क्योंकि इसके conidiospores green color के हैं, थोड़े से blackish green से ये green smoky mold. उसके बाद अनदर एग्जाम्पल है न्यूरोस्पोरा, दिस इज कॉल्ड एज पिंक मोल्ड. उसके बाद आ जाता है बेटा यीस्ट, सैक्रोमाइसिस, ब्लू मोल्ड. Another is penicillium. Bluish green mold. Bluish green mold. Next है जो वो हाइफा जिनपे कोनिडिया बॉर्न होते हैं, कोनिडियोफोर्स कैन बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, कोनिडियोफोर्स कैन बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड. एंड हैव डिफरेंट अरेंजमेंट्स, कोनिडियोफोर्स ब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड है, और उसके बाद उन्होंने डिफरेंट अरेंजमेंट्स किए हुए हैं एंड आर डिफरेंटली अरेंज्ड to form structures such as acerbulus, sporodichia, etc. ये structures का नाम है, ये aggregation का नाम है conidiopores का, to form acerbulus, sporodochium, डोकिया या डोकियम. अनदर इज सिनेमा, सिनेमा. ये सब बेटा कोनिडियोफोर्स के डिफरेंट अरेंजमेंट्स है, वो एक डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना देते हैं, है ना, जिनकी शेप बाहर से अलग अलग लगती है. शेप के नाम है या कह सकते हो डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ स्पोरेंजियोफोर्स, कोनिडियोफोर्स, दीज आर डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ कोनिडियोफोर्स. ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स आइदर बाय सोमेटोगैमी
और गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट और गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। ठीक है बेटा, तो आज हम यहां करेंगे क्योंकि अभी एस्कोमाइसिटीज का आगे करना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, क्या होता है उसमें। ठीक है, सो दिस वी विल डू नेक्स्ट टाइम, ताकि अतिका का पेपर है कल फिजिक्स का, तो ये काम है, राइट? ओके, और वन मोर, दिस इज फॉर टुडे, राइट?